राजमहल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान देसी कट्टा कारतूस के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया। राजमहल पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दो युवक को एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल किया, जिसकी जानकारी एसटीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के निर्देशन पर मंगलवार की देर शाम फुलवरिया चेक नाका के पास एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान टोटो पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देख भागने का प्रयास किए। पुलिस ने दोनों व्यक्ति धनराज हजारी व मोहम्मद रहमान को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक कीपैड मोबाइल मिला। दोनों के विरुद्ध थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल दिनांक 15/10/24 को शाम 7 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज के आदेशानुसार फुलवरिया चौक पे एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान टोटो पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल के द्वारा उन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध राजमहल थाना कांड संख्या 166/24 आर्म्स एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अदालत में भेजा गया।